खुर्शीद अख्तर ने जब से 10 साल पुरानी कंट्रोवर्सी को छेड़ा तो मानो बॉलीवुड में तो भूकंप सा ही आ गया। नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाने के बाद से #MeToo मूवमेंट की शुरुआत बॉलीवुड में भी हो गई है। आए दिन नए नए कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं और हम सभी को चौंका रहे हैं। वहीं ये तो हर कोई जानता ही है कि नाना को प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म हाउसफुल 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर साजिद पर भी आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें भी बाहर कर दिया गया। वहीं जब हाल ही में तनुश्री से नाना के हाउसफुल 4 से बाहर निकलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं साफ कर दूं कि मैं अभी जश्न नहीं मना रही हूं क्योंकि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। मैं खुश हूं कि अक्षय कुमार जैसे स्टार ने आखिरकार पीछे हटने का फैसला लिया और ऐसे लोगों के साथ काम न करने का रास्ता चुना। मैं इसलिए भी खुश हूं कि आमिर खान, किरण राव और कुछ और प्रोडक्शन हाउसेस अपना स्टैंड ले रहे हैं। ऐसे में अभी मैं चाहूंगी कि कुछ दिन बाद दोबारा इकट्ठे हो, इसलिए मैं अभी सिर्फ देखना चाहती हूं कि ये मामला कहां तक जाएगा। इतना ही नहीं, तनुश्री आगे बोलती है कि सितारे खुद को अलग करके खड़े हो रहे हैं। हाउसफुल 4 फैंटम फिल्म्स का टूटना, मियामी फिल्मों को छोड़ना जैसे ठोस कदम उठाया जाना एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इससे पहले सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही थी, फिर मेरे समर्थन करने वाले लोग अपनी कहानियां लेकर आगे आए। ये अब राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन रहा है। इसमें अभी और ज्यादा लोगों को उनके अनुभवों के साथ आगे आने की जरूरत है। उन्हें आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि उन्हें सुना जाए और उनके शब्दों का असर होगा। मैं आंदोलन को और मजबूत करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यहाँ भयानक कहानियों वाले बहुत से लोग हैं जो अनगिनत हैं और उन्हें लाइमलाइट में आने की जरूरत है। ये #MeToo मूवमेंट की मिसाल को लौटेगा। तो सुना आपने, तनुश्री अभी यही थमने वाली नहीं है बल्कि अभी तो वो नाना की और भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार है। वेल, अब देखना ये होगा कि #MeToo कैंपेन के जरिए और कौन कौन से बड़े सितारों का पर्दाफाश होता है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म हाउसफुल 4 की तो इस बार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल के साथ कृति सनन, कृति करपंदा और पूजा हेगड़े नजर आने वाली है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।